नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बीते दिन नीतीश कुमार ने सीएम आवास में एनडीए के तमाम घटक दलों की बैठक बुलाई थी, जिसमें पशुपति पारस गुट कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उसके बाद अब ये हर कोई समझ रहा है कि एनडीए से पशुपति कुमार पारस का पत्ता लगभग साफ हो चुका है। और अब देखिए, पशुपति कुमार पारस के तरफ से भी बीती रात को एक बड़ी बैठक बुलाई गई और उसमें इन बातों पर चर्चा की गई कि जब एनडीए में उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है, जब एनडीए उन्हें अपना हिस्सा नहीं मान रहा है, तो फिर एनडीए में बने रहने की ज़रूरत क्या है। लोकसभा का चुनाव हुआ, सब कुछ छीन कर चिराग पासवान को दे दिया गया। उसके बाद अब झारखंड में चुनाव चल रहा है, वहाँ पर भी चिराग पासवान को एक सीट दे दी गई। बिहार में जो पार्टी का कार्यालय है वो भी चिराग पासवान को अलॉट कर दिया गया। तो अब पशुपति कुमार पारस के साथ जब जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी को इतनी ही दुश्मनी है, जब चिराग पासवान से उनको इतना ही प्यार है, तो फिर आखिरकार पशुपति कुमार पारस एनडीए का गुण कब तक गाते रहेंगे। अब ऐसे में बीती रात जो पशुपति कुमार पारस गुट की बैठक हुई, जिसमें सूरजभान सिंह, प्रिंस पासवान, पशुपति कुमार पारस, पार्टी के अन्य नेता मौजूद थे, उसमें इस बात पर सहमति जताई गई कि अब वक्त आ गया है कि अपने आप को एनडीए से अलग कर लिया जाए। यानी कि अब पशुपति कुमार पारस खुद ही इस बात का ऐलान करने वाले हैं कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था और पशुपति पारस को कुछ नहीं मिला, उस समय ही उन्होंने कहा था कि वो बहुत जल्द फैसला लेंगे। लेकिन बाद में अमित शाह के साथ उनकी हुई मुलाकात में कुछ बातें तय की गई। कहा गया कि विधानसभा में उन्हें सम्मान दिया जाएगा। उपचुनाव में तरारी की सीट पर उन्होंने डिमांड किया था, लेकिन जिसके लिए डिमांड किया वो सुनील पांडे अपने बेटे के साथ ही बीजेपी में शामिल हो गए, तो वो भी हाथ से चला गया। और अब ऐसा लग रहा है कि पशुपति कुमार पारस ने मन बना लिया है कि वो अब अपने आप को एनडीए से अलग होने की घोषणा कर देंगे। तारीख भी लगभग तय बताई जा रही है, जिस दिन बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, यानी कि 13 नवंबर, उसी दिन ये ऐलान पशुपति पारस कर सकते हैं कि वो अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। देखिए, बिहार में पासवान आबादी जो है वो अच्छी खासी संख्या में है, और कहा जाता है कि रामविलास पासवान का एकाधिकार इस पूरे आबादी पर था, लेकिन जैसे ही उनका निधन हुआ, 2020 का चुनाव खत्म हुआ और उसके अगले ही साल पार्टी दो धड़ों में बट गई। चिराग पासवान के पास जो कुछ था सब कुछ पशुपति कुमार पारस को मिल गया, लेकिन चिराग पासवान अपनी लड़ाई लड़ते रहे, जमीन पर घूमते रहे और अपनी ताकत इस प्रकार से दिखाई कि 2024 आते आते बीजेपी ने चिराग पासवान को पासवानों का नेता मान लिया। पशुपति पारस कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, बीते कई समय से एनडीए में सम्मान पाने की होर में लगे हैं, खुद को एनडीए का नेता कहते रहे, लेकिन ना ही नीतीश कुमार से इज्जत मिल रही और ना ही बीजेपी से। और जब एनडीए की बैठक हुई उसमें भी नहीं बुलाया गया, तो ऐसे में अब उन्होंने भी मान लिया है कि अब नीतीश कुमार और बीजेपी ही चाहते हैं कि पशुपति कुमार पारस अलग हो जाए। और इसीलिए बीती रात की जो पारस गुट की बैठक हुई, उसमें इस बात पर फैसला हुआ कि अब एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया जाए। सभी 243 सीटों पर हम तैयारी करेंगे, चुनाव आएगा तो अपने हिसाब से गठबंधन भी तय करेंगे, लेकिन इस तरह से बेइज्जत होकर एनडीए में नहीं बने रहेंगे। अब 13 नवंबर जिस दिन झारखंड में भी वोटिंग होनी है और बिहार में 4 सीटों पर वोटिंग होनी है, अब 4 सीटें रामगढ़, तरारी, इमामगंज और बेलागंज उपचुनाव है, एनडीए के लिए भी महत्वपूर्ण है और विपक्ष के लिए भी महत्वपूर्ण है। और उसी दिन ये खबर आ रही है कि पशुपति कुमार पारस हो सकता है कि उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान करें कि अब वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। अब रणनीति किस तरीके से बन रही है,
क्या सोचकर तारीख उसी दिन मुकर्रर हो रही है? क्या सचमुच उसी दिन इस तरह का फैसला पशुपति कुमार पारस लेंगे? ये देखने वाली बात होगी, या फिर उससे पहले एनडीए के नेता कहीं एक बार फिर से पशुपति कुमार पारस से मिलकर उन्हें मनाने में कामयाब होंगे। क्योंकि जब दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो पारस से मुलाकात किया था उन्होंने, नित्यानंद राय ने भी मुलाकात किया था, इसके अलावा दिल्ली में भी अमित शाह के साथ मुलाकातें होती रहती है, और ऐसे में लगातार कहीं ना कहीं पशुपति पारस को अपने साथ मिलाकर रखने की कोशिश होती है। लेकिन चिराग पासवान और चाचा पारस में जिस प्रकार की जंग है उसमें दोनों एक गठबंधन में बने रहे ये आसान नहीं दिखाई देता है। और हाल में जिस प्रकार से लोजपा कार्यालय की लड़ाई देखने को मिल रही है, खबर है कि 7 दिनों की नोटिस जब भवन निर्माण विभाग ने दिया तो मामला फिर कोर्ट में हुआ और कोर्ट में शायद आज सुनवाई भी हुई है और बड़ा फैसला उधर से आया भी है इस पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल की जो खबर है एनडीए की बैठक में नहीं बुलाए जाने पर पशुपति पारस काफी ज्यादा नाराज हैं और अब वो फैसले लेने की तरफ हैं और शायद पशुपति कुमार पारस अपने आप को एनडीए से अलग होने की घोषणा कर सकते हैं, जो कि कुछ समय पहले तक लगातार कहते रहे हैं कि वो एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन शायद अब उनके लिए भी समय आ गया है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।